नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना अपडेट है वो है एमजीएसयू बीकानेर के विद्यार्थियों के लिए, जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, यानी कि यूजी के जो स्टूडेंट है उनको लेकर आज का अपना अपडेट है। जो एमजीएसयू बीकानेर है उसने जो अपना टाइम टेबल है यूजी के विद्यार्थियों के लिए वो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम आई स्टडी ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ उसको ज्वाइन करके आप अपना टाइम टेबल देख सकते हो और हम भी एक बार उस टाइम टेबल को डिस्कस कर लेते हैं जो आपका टाइम टेबल हुआ है। ठीक है, ये जो सेकेंड ईयर का टाइम टेबल है उसको देखते हैं। सबसे पहले अपन आपकी जो एग्ज़ाम है वो ध्यान रखना 14 मार्च से स्टार्ट होगी। आपकी जो एग्ज़ाम है वो 14 मार्च से स्टार्ट होगी। 14 मार्च को जो सबसे पहला पेपर होगा वो सीबीजेड के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, जो किसका होगा, माइक्रोबायोलॉजी का होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल देख सकते हो। उसके बाद 16 मार्च को जो आपकी एग्जाम होगी वो होगी आपकी केमिस्ट्री की। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार आप ऊपर नीचे चलते जाओ, फिर आपका जो जो बायोटेक्नोलॉजी या जियोलॉजी है, साथ ही माइक्रोबायोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री है। तो इसमें आपको जो एग्ज़ाम ख़त्म होगी वो होगी सेकंड ईयर वालों की 12 अप्रैल को। जो लास्ट पेपर होगा आपका वो होगा 12 अप्रैल को। ठीक है, और वो भी किसका होगा मैं बता देता हूँ आपको। ये होगा आपका फिजिक्स का अंतिम पेपर होगा आपका। ठीक है, जो आपका अंतिम पेपर होगा वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का होगा और बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों के लिए बॉटनी का पेपर होगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर का टाइम टेबल है। और हम देखते हैं जो आपका साथ ही फाइनल ईयर का टाइम टेबल है। फाइनल ईयर वालों की एग्जाम भी जो है आपकी वो उसी टाइम पे स्टार्ट होगी 14 मार्च से। जो ठीक है टाइम का जो टाइम रहेगा पेपर का वो रहेगा 3 मार्च। पहला पेपर पीसीएम वालों के लिए होगा फिजिक्स का और सीबीजेड वालों के लिए होगा बोटनी का। उसके बाद आपको कोई गैप नहीं दिया गया है फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में। 14 को आपका फिजिक्स का है तो 15 को आपका मैथमेटिक्स का होगा, फिर वापस 18 को आपको मैथमेटिक्स का है। मतलब 14 को स्टार्ट होकर 18 तक आपकी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार जूलॉजी जूलॉजी साथ में जूलॉजी चलती रहेगी। ठीक है, जो सीबीजेड के हैं उनके लिए इस प्रकार से चलती रहेगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग से काफ़ी समय पहले ही, ठीक है, एक महीने पहले, दो महीने पहले मैंने बार बार आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम होगी वो 15 मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने हर एक जो यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट को कहा है कि एग्ज़ाम में समय नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें चलो ये तीन स्टार्टिंग के तीन पेपर को छोड़ दे तो बाकी आगे आपको नीचे जो टाइम जो समय है वो आपको दिया गया है पेपर्स के बीच में। ठीक है, जो आगे लास्ट में जाते हो तो केमिस्ट्री के पेपर्स में आपको सफिशियंट टाइम दिया गया है, काफ़ी टाइम दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री के उसके बाद करीब करीब आपको 15 से 20 दिन का समय आपको दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री के पेपर्स में तो एमजीएसयू बीकानेर वाले स्टूडेंट अब केमिस्ट्री फाइनल ईयर वाले केमिस्ट्री को एक बार पढ़ना बंद कर दें, वो पढ़े मैथमेटिक्स और फिजिक्स को अब ले लें पैरेलल। ठीक है, केमिस्ट्री को छोड़ दो क्योंकि आपके पास मोर देन सफिशियंट टाइम है, आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कोर्स कंप्लीट करवा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके 199 रुपये फीस के साथ आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और उसमें मोस्ट क्वेश्चंस आप पढ़ लो जो लास्ट ईयर में आपको पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ भी अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में सफिशियंट टाइम है, जैसे ही फिजिक्स और मैथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद केमिस्ट्री को चाहे आप स्टार्टिंग से पूरा पढ़ सकते हो, इतना समय आपको दिया गया है। बात करें हम अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है तो उनको भी मैं बता देता हूँ, उनका टाइम टेबल भी एक या दो दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उनका टाइम टेबल लास्ट ऐसे मान लो दो तीन दिन के अंदर अंदर आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा। समय नहीं मिलेगा, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, टाइम टेबल आने के बाद में 10 से 15 दिन का समय मैक्सिमम मिलेगा आपको। ठीक है, तो तैयारी अगर किसी ने स्टार्ट नहीं की है, जो टाइम टेबल का वेट कर रहा है वो ना करे टाइम टेबल का वेट और अपनी क्लास को स्टार्ट कर दे कंटिन्यू रूप से। ठीक है, तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।